नूरुलऐन यहाँ रहे, अपने घर में रहे, अमीर एहसान के साथ रहे या अलग रहे, इस सबसे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी यही कह रही हूँ मुर्तजा, हमारे घर को या हमारे घर के अफराद को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। तुम्हें डिवोर्स पेपर्स और हक मेहर की रकम मिल जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुर्तजा तुमसे शादी करता है या नहीं। अच्छा बस अब मुर्तजा, इन पैसों से जल्द अज जल्द अपने कर्ज से छुटकारा हासिल करो। जी अम्मी। और नूरुलऐन से भी। के तेरे बिना मैं नहीं के मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। मुर्तजा, जरा बटन सही से लगाना फिर निकल जाते हैं। वैसे ताहिरा, मैं सोच रही थी कैसी सात घड़ी थी जब मैंने अपने बेटे के लिए तहनीत को मुंतखब किया था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लड़की निकली, बेहतरीन बीवी, बेहतरीन माँ, बेहतरीन बहू है। जी अम्मी, कल मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि तहनीत मुर्तजा के दिल में वो मकाम पा चुकी है जो कभी नूरुलऐन भी नहीं पा सकी। मुर्तजा की नज़रों में तहनीत के लिए मोहब्बत तो थी ही, अब एहतराम भी है और वो उसके जज्बों की बहुत कदर करता है। सियाने ठीक ही कहते थे कि मर्द घर बनाता है मगर उससे बसाती औरत है, और इसमें तहनीत के सब्र और समझदारी का बहुत हिस्सा है। अरे आ गई इससे तो इधर दो मुझे की जान चलो मैं बहुत। तहनीत, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। अरे भाई वाह, आज ऐसा क्यों है? अम्मी, मैं आपकी और ताहिरा आपी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी और मुर्तजा की ज़िंदगी के मसाइल हल करने में आप दोनों का बहुत बड़ा किरदार है। आप मुझे सास के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में मिली हैं। और ताहिरा आपी, आपने मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी दोस्त और बड़ी बहन होने की कमी पूरी की है। अगर आपका साथ ना होता तो मैं यहाँ कभी ना होती। बस भी करो तहनीत, तुमने भी तो खुलूस और मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि तुम जैसी अच्छी लड़की मेरे भाई को मिली। बिल्कुल। आपने मुर्तजा कहा है? अब वो सुबह जल्दी चला गया था, कह रहा था पैसों का बंदोबस्त करके आऊँगा। अच्छा, प्लॉट के पेपर्स तो ले गए ना? हाँ हाँ, वो तो ले गया था। बस अल्लाह करे ये मसला जल्दी हल हो जाए, पैसों का इंतज़ाम जल्द अज जल्द हो जाए। इंशाअल्लाह हो जाएगा। इंशाअल्लाह। क्या बात है, इधर आओ। ओह बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, अरे पप्पो के मुँह पे छींक दिया। ये भी तो यही करती थी। डैड, आपको उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, शायद इसलिए उदास हूँ। लेकिन उस औरत के जाने से आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रम्शा, ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, इंसान इनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है, और जो रिश्ता आपको मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे उसे तोड़ना आसान नहीं होता। अपनी ही हथेली से लकीर को मिटाना होता है, और ये कमबख्त लकीरें जितना खुरचो उतनी गहरी होती हैं। Did you love her? Of course I loved her. But that was a part of my past. ऐसे ही तो शादी नहीं कर ली थी ना मैंने उससे। लेकिन क्या करें, जब मोहब्बत में तकसीम का वक्त आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अपने पास रखता है। I loved her, but I will always love you. I love you too, Dad. हमेशा से समझती थी कि आप एक रोबोटिक इंसान, हर वक्त काम में मसरूफ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आपके सीने में भी दिल है। मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में नूरुलऐन से भी बेहतर औरत है। फिलहाल तो वो छोटी सी औरत मेरी बेटी ही हो सकती है। मैं 2 दिन में यूएस जा रहा हूँ, और तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करना चाहती हो। सो व्हेन आई कम बैक, आई वांट टू सी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन इन यू। थैंक यू सो मच डैड। आई प्रॉमिस आई वोंट डिसअपॉइंट यू। आई नो दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये पेपर्स आ गए? ओ भाई, कुछ लकीरें बनाते हैं और कुछ मिटाते हैं। ये डिवोर्स पेपर्स और चेक इस नूरुलऐन को दे देना। डैड, आप अकेले रह जाएंगे। ऐसे ही होता है रम्शा, जब सारी दुनिया आपकी हथेली पर हो ना, तो आपके पास कुछ नहीं रहता। That's the tragedy of life. नूर तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ? नूर, मैं और रिंदा कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। बताया नहीं तुमने, क्या बात हुई तुम्हारी अमीर एहसान से? डिवोर्स मांग के मैंने अमीर एहसान से। क्या? और वो मेरे इस फैसले से राजी। नूर, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हें इतनी बड़ी बात हमारे सामने इतनी आसानी से कह दी? मुझे अंदाज़ा है कि ये फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब अगर ये फैसला ले लिया तो आप लोग परेशान ना हो। इनफ! नूरुलऐन, इनफ इज इनफ। हर बात की ना एक हद होती है, और हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्या रिश्ते सिर्फ इसलिए होते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के अपने फैसलों से, अपनी मर्जी से एक दूसरे को आगाह कर दिए, दैट्स इट? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मुझसे और इससे पूछना भी गवारा नहीं किया। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत कर सके? ऐसी बात नहीं है भाई। कोशिश की थी ना मैंने भाई, कोशिश की थी आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, अमीर एहसान से शादी करके, लेकिन नहीं कर सकी। अब एहसास हो गया है कि फैसला बहुत गलत था मेरा। एहसास हो गया कि हम साथ नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे पता है इसके क्या नुकसान होंगे क्या नहीं, लेकिन इसमें आप दोनों की बात कहां से आ गई? रिश्ते होते हैं इंसान का साथ देने के लिए, मुखालफत करने के लिए नहीं। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। अब मैं जब मुर्तजा के पास वापस जाना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ तो क्या? नूरुलऐन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? किसी और का घर जोड़ने की बात कर रही हो तुम? ये तो वही वाली बात हुई हारिस जो मैं तुम्हें कहने से डरती थी। कि बात नूर के जहन में आज तक नहीं चल रही, बल्कि ये बात तो इसके जहन में पता नहीं कब से चलती आ रही है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? नूर, क्या इस कहानी में मुर्तजा भी शामिल है? कहानी थी ही मुर्तजा के भाई। उस कहानी के दो ही किरदार थे हम। आप ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। बात बहुत अरसे से मेरे दिमाग में चल रही है, इसमें गलत क्या है? गलती तो जब हुई थी जब मैं उससे अलग हुई थी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, उसमें क्या बुराई है? दूसरी शादी करनी पड़ेगी ना, मुझे मंजूर है भाई। तो फिर मैं लानत भेजता हूँ इसी कहानी पे, और मैं लानत भेजता हूँ इसी कहानी के किरदारों पे, जो दूसरे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते। एक बात मेरे याद रखना नूरुलऐन, अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसके बाद तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक, हर रिश्ता भूल जाना कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी था। ये जुल्म नहीं कर सकते आप मेरे साथ। बाबा के बाद आप दोनों ये मेरे लिए भाई। के लिए छोड़ के ना जुल्म ना करें। नूर, हम तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें जुल्म से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अमीर एहसान की जिंदगी में वापस लौट जाओ। माफ़ी मांग लो उनसे। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और फिर से कबूल कर लेंगे। नूर, माफ़ी मांग लो उनसे। किस बात की माफ़ी मांगू मैं उनसे? मैं जबरदस्ती नहीं रहना चाहती उनके साथ, एक ऐसे रिश्ते में जिसमें मुझे कमतर होके रहना पड़े। मुझे जरूरत नहीं है मशवरों की। और हमें ऐसे रिश्तों की जरूरत नहीं है नूर। भाई से बोलें फिर से गलती ना करें, हमें समझाएं। मुझे लगता है कि नूर, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं। अपना ख्याल रखना। मुर्तजा, तुमसे मिलने कोई मेहमान आए। कौन? नूरुलऐन। कोशिश की कभी तुम्हारे बारे में ना सोचूं कि क्या करूं। माँ डरती हूँ तुमसे। तेरे बिना मैं नहीं के मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। पेनल्टी खत्म हो गई तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब अब तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आजाद हो गया तुम और मैं भी। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अमीर एहसान से डिवोर्स ले लिया। What? ये क्या कह रही हो तुम? वो जिंदगी क्या जिसमें तुम हो? वो जिंदगी क्या जिसमें तुम्हारी मोहब्बत ना हो? छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गए हो। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे पास। मैंने सोच लिया अब हम सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जिसमें और कुछ नहीं होगा, कोई शराइत नहीं होंगी, जिसमें सिर्फ तुम होगे और सिर्फ कि तेरे बिना मैं मेरे बिना तू नहीं, रास्ता अजनबी ले चला फिर वहीं साथ छूटा जहां हम मिले। कुछ बोलो मुर्तजा, ठीक है रिंदा, यही सुनना चाहते थे ना? बोलो। खुश होना ही सुन के हम दोनों की जिंदगी। बोलो ना, खामोश क्यों? मेरी रिपोर्ट आ गई है। थैंक यू सो मच, तुमने आज बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। क्या खुलासा बेबसी दे दिलासा कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं। लेकिन ये जोड़ी तो मैंने लौट लो। रही बात इस प्लॉट की तो एक अर्ज रहा मुझे। बातें करता हूँ तुमसे, एक दिन तुमको इससे बड़ा प्लॉट दिला के उन्होंने ना तो मुझे कल जान सकी और ना आज पहचान सकी। तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो कि वापस पलट कर मेरे सामने आ जाओगे और मैं यूं ही खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? बड़ी मुश्किलें झेली हैं मेरे मुझसे, अंदाजा है ना? तो ये मुश्किलात मेरी वजह से तो नहीं उठाई, शायद उन चॉइसेस की वजह से जो तुमने अपनी जिंदगी में। नूरुलऐन, आई एम अ मैरिड मैन नाउ। एक खूबसूरत सी बेटी है मेरी। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। प्लीज नूरुलऐन, कह लेने तो मुझे वो सारी बातें जो तुम्हें ना तुक देने के ख्याल से कभी कह नहीं पाया, अपने अंदर दबा के रखी मैंने आज तक। बेस्ट फ्रेंड था ना मैं तुम्हारा, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती थी, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मैं दुनिया को किस नजर से देखता। वादा किया था ना तुमने मेरे से, मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी भर मेरा साथ दोगी तुम। छोड़कर चली गई मुझे, एक बार भी तुम्हें एहसास हुआ कि मुझे कितना दर्द होगा? चॉइसेस ली थी मैंने अपनी जिंदगी में, उसकी इतनी बड़ी सजा ना मुझे। कोशिश की थी तुमसे दूर जा सकूं, कोशिश की थी तुम्हें भुला सकूं, कोशिश की थी कभी तुम्हारे बारे में ना सोचूं। कि क्या करूं, मोहब्बत करती हूं तुमसे, एक गलती हो गई मुझसे। फिर सही फैसला नहीं ले सके, बड़ी सजा ना तुम जिसकी, इतनी बड़ी सजा ना तुम। देर हो गई ना नूरुलऐन, हमारे बीच में जो भी सब खत्म हो गया। अब तहनीत है मेरी जिंदगी, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तहनीत से मोहब्बत नहीं है? झूठ बोल रहा हूं ना। बदला लेना चाह रहा हूँ उससे। हाँ। नहीं नूरुलऐन, सच है, यही हकीकत है। And you know what, मैं concerned हूँ तुम्हारे बारे में। You are a very successful businesswoman, बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें, सबसे आगे। तहनीत, वहां क्यों खड़ी हो? तरह आप ये है तहनीत, मेरी बीवी जिससे मैं प्यार करता हूं। हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, बहुत तकलीफ भी दी है मैंने इसे, दिल भी दुखा है इसका, लेकिन पता है डटी नहीं, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा इसमें। मैं जितना चाहूं इसका शुक्र अदा कभी नहीं अदा कर सकता। तो जो बीत गया उसको पूछो। ठीक है, इसकी रकम तहनीत ने दी है मुझे, जिंदगी पर इसका एहसान मत रखो। प्लीज प्लीज टेक इट। एक बात और, जिंदगी में तुम्हें कभी भी किसी मोड़ पे भी एक दोस्त की जरूरत हुई ना, तो मैं और तहनीत हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, रास्ता अजनबी ले चला फिर वही साथ छूटा, जहां हम मिले फिर वही। के तेरे बिना मैं नहीं, मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं, के तेरे बिना मैं नहीं, मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। मुझे सही तरह एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकती। बस ये दे दिलासा कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। नहीं लगता वक्त छोड़ने का, जैसे जमीन में से कोई सैयारा बुलंद हुआ और खला में जा पहुंचे, फिर ना वो जमीन का रहा है ना खला का। बुलंदियों को छूने की जुस्तजू में कैद तन्हाई काटी है मैंने, एक गर्दिश मुसलसल मंजिल ठहरी। तहनीत, आज मेरी हर गलती, हर कोताही और हर गफलत को माफ़ करके मेरी मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत को कबूल करे, क्योंकि आज मुर्तजा हसन के पास इसके अलावा तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं। मैंने कभी आपसे मोहब्बत के सिवा कुछ और चाहा ही नहीं है सर। मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा। बस ये समझ में मैं थोड़ी सी देर हो गई तुझे। जी नहीं, ये समझाने में आपसे ताख़ीर लगा। तो ठीक है, अब इस हकीकत की दुनिया में चलेंगे साथ। तुम तेरे बिना